अब ये बॉलीवुड वो वाला बॉलीवुड नहीं रहा। लॉर्ड शिवा के आशीर्वाद से निकले वेपन्स यानी कि ब्रह्मास्त्र के ऊपर तो सभी ने मूवी देख ली है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे काफी ज्यादा सुपरहिट रही है। ऑडियंस अभी भी उसे पसंद कर रही है और कल मैं एक और उसका शो देख के आया और मुझे वही माहौल मिला जो कि मुझे डे वन में देखने को मिला था। और अब सिनेमाघरों में ब्रह्मास्त्र के बाद अगले साल दस्तक देने वाली है आदिपुरुष, और आदिपुरुष एक ऐसी मूवी होने वाली है जो कि आपको लॉर्ड राम की स्टोरी दिखाएगी आज की VFX CGI टेक्नोलॉजी से। और ये मूवी सबसे ज्यादा चर्चा में तो इसलिए क्योंकि इसमें हमारे बाहुबली एक्टर प्रभास होने वाले हैं जो कि लॉर्ड राम का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। इसके पहले कुछ प्रीवियस कॉन्सो पार्ट रिलीज भी हुए थे जो कि काफी ज्यादा कमाल के थे। और अब खबरें ये आ रही हैं आपको उसका जल्दी एक और ब्रांड न्यू लुक दिखने वाला है जल्दी, क्योंकि इसके VFX का हाफ एंड हाफ वर्क कंप्लीट हो चुका है और जल्दी से जल्दी इसका फर्स्ट लुक रिलीज करने की तैयारी चल रही है। मैं देखना चाहूंगा कि प्रभास श्री राम भगवान के रूप में कैसे दिखते हैं, क्योंकि एक बार रामचरण ने भी राम के अवतार में दिखे थे तो वो तो जो छोटा सा सीन था बहुत ज्यादा पसंद आया लोगों को, पर ये तो मूवी पूरी राम भगवान के ऊपर होने वाली है तो मैं तो लिटरली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो आदिपुरुष के लिए और आप क्या उम्मीद कर रहे हो कि ये मूवी हमें थिएटर्स में क्या दिखाएगी, मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी जरूर बताइएगा।